श्री राधे राधे दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज 23 सितंबर है, आज सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और हम सब उठ गए हैं। कबीर के कल ही एग्जाम खत्म हुए हैं तो वो अभी सो रहे हैं और मैं और गुड़िया दोनों उठ चुके हैं और ब्रश व्रश हो चुकी है मॉर्निंग की। और गुड़िया भी देखिए मॉर्निंग में ये ब्रश करने के बाद ये 15 से 20 मिनट योगा करती है। हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग, लाउड थोड़ा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की शुरुआत हो गई और हमने भगवान जी से जय भी कर ली आज की, ठीक है ना। तो आज मॉर्निंग में उठे हैं तो फिर आज सैटरडे है, ठीक है, और कल संडे। तो सैटरडे जब आता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि कल संडे है तो पूरा परिवार एक साथ रहता है, मतलब मॉर्निंग से लेके रात तक। मैंने ऐसे कबीर स्कूल और मैं, आप समझ सकते हैं, ऑफिस। तो आज सुबह की चाय सोच रहा हूँ मैं बनाता हूँ, तो चलिए प्रयास करते हैं चाय बनाने की। हेलो दोस्तों, तो मैं रसोई में आ चुका हूँ, आप सबका स्वागत है। मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप सबसे गाइस चाय बनाने की, देखते हैं। चाय बना रहा हूँ, चाय की बहुत अच्छी है। आइए पीते हैं चाय। हाँ भाई, ये लो जी भाई, आज विमल के हाथ की चाय। तो अब हम तीनों इकट्ठे हो चुके हैं और आप सबको राधे राधे, और आप सब भी बोलिए राधे राधे, गुड मॉर्निंग और राधे राधे, है ना। और ये चाय आ चुकी है, आज आप मेरी हाथ की चाय पी रही हैं, कैसा लग रहा है गुड़िया, काफी दिन बाद कभी। ये देखिए फ्रेंड्स, चाय चाय आ चुकी है, बहुत बढ़िया चाय बनी है। अभी मैंने तो पी नहीं देखी, बहुत कड़क स्ट्रांग चाय रहती है मेरी हमेशा। ये चाय मैंने अपने बड़े वाले भाई के हाथ से सीखी, जब मैं छोटा था तो वो अक्सर करके बनाता था, मैच देखते थे हम दोनों। आपकी वजह से फ्रेंड्स ये हमें चाय पीने को मिल रही है, वरना ये कभी किचन में जाते नहीं है। चलिए आपकी तो चाय अब ऐसे मिलती रहेगी हमें, बिल्कुल, और भी नई नई चीजें मिलती रहेगी। आप देखिए किचन में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कि चाय का पत्ती का ढक्कन खुला हो या दूध बाहर ऐसे ही पड़ा हो, ये नहीं होना चाहिए। अरे तो गाइस चाय आप भी पीने आइए हमारे साथ, है ना, है ना। और मेरा बेटा हमेशा कहता है चाय पी लो फ्रेंड्स, आप भी सब हमारे फ्रेंड्स हैं, चाय पी लो फ्रेंड्स। तो और आज मैं तैयार हो गया हूँ सुबह के समय और भगवान जी की पूजा भी होगी और हमने आज दिन के लिए आशीर्वाद भी इनसे ले लिया है। और मैं ऑफिस जाने के लिए बस निकलूंगा बस 10 मिनट के अंदर अंदर, और बस गुड़िया नाश्ता लेके आ रही है और नाश्ते फिर फिनिश करके मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा, फिर देखते हैं नाश्ते में क्या बना मिलते हैं। तो दोस्तों नाश्ता का हम लोग भी भगवान को भोग लगाते हैं इडली के लिए और उनके लिए फ्रूट्स, और ये भगवान के लिए प्रसाद पूरी और सब्जी, और ये जल भगवान जी भोग लगाते हैं इसके, और बिना इनके आशीर्वाद के कुछ होता नहीं गाइस। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी का दिन अच्छा रहेगा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, ये देखिए सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है, पूरी और आलू की सब्जी है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो चलिए नाश्ता करते हैं और आप भी करिए। क्या नाम है भैया आपका? राहुल है, राहुल जी है। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं आप? चार पाँच साल, पाँच साल से भैया काम कर रहे हैं, तो यही कर रहे हैं कि बाहर से? कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ से भैया रहने वाले हैं, पिछले पाँच साल से काम कर रहे हैं। राहुल भाई नाम है इनका। राहुल भाई आप हमारे लिए कुछ बोल दीजिए, यूट्यूब चैनल है हमारा, कहिए विमल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। विमल भैया को लाइक करें सब्सक्राइब करें फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो वॉच मतलब वीडियो को जरूर देखें, और कमेंट करें वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये थे राहुल भैया, अपने टायर बदल रहे हैं गाड़ी का, मिलके अच्छा लगा और इसी तरह इनका दिनचर्या चलता है, बुक फेयर चल रहा है। साल के साल लगता है और मैं यहाँ पे हर साल आता हूँ, बुक्स मज़ा आता है। मैं इसका काफ़ी बेसब्री से वेट करता हूँ। ये बुक एग्जीबिशन लगा हुआ है आज, कल से लगा हुआ है, 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक रहेगा लखनऊ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिकेशंस की बुक्स।
दोस्तों बस जस्ट अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं घर आया हूँ गुड़िया और कबीर और तन्मय के लिए। सरप्राइज है और मैं घर आके शूज को बाहर उतार के आ गया हूँ और कबीर हेलो एवरीबॉडी चाय हो रही है ये और ये तन्मय से हेलो एवरीबॉडी ये गुड़िया लापता है। चलिए देखते हैं कहाँ गई और ये गुड़िया आ गई और इनके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है? बहुत सारे सरप्राइज हैं, छोटे छोटे खुशियाँ। आइए दिखाते हैं क्या है आज। मैं अभी बताते हैं, थोड़े वेट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं जस्ट घर आया हूँ थोड़ी देर पहले और अभी मैंने फ्रेश हुआ हूँ, हाथ मुँह धुला हूँ, कपड़े चेंज किए हैं। आज दिन भर ऑफिस में काफ़ी हेटेक रहा और मैंने कि जैसा कि कल बताया था आपको कि मेरी गाड़ी का टायर ख़राब है, मुझे चेंज कराना, तो मैंने लंच टाइम में आज चेंज करा लिया। तो आज मैं शाम में आते वक्त मेरा मन पसंदीदा बुक फेयर लगा था लखनऊ में बलरामपुर गार्डन में, तो मैं वहाँ पर भी गया था और कुछ छोटे छोटे सरप्राइज लेके आया अपने एक टूल्स के लिए, अपने वायर लिए, जैसे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक वायर लेके आया हूँ, लिए ये बुक लेके आया हूँ, ठीक है ना। अब इसको ये खोलेंगे कि ये खोल के दिखाओ ये क्या है। अच्छा और ये बचपन की ये सब यादें हैं, इसको खोलो, है ना। ये देखो ये बहुत यूनिक चीज़ है, पता नहीं ये हमारे बच्चे जानते हैं कि नहीं। माउथ ऑर्गन, एग्जैक्टली। बजाना नहीं आता मगर मुझे अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए माउथ ऑर्गन, मैं बचपन में जब छोटा था तो पापा से अपने जिद करके लेता था। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा सरप्राइज, आप तीनों बताएं प्लीज। बहुत बढ़िया बढ़िया। बुक्स और माउथ ऑर्गन और केबल। यस मम्मी आपकी बारी बताएं। अच्छा लगा, चलिए मिलते हैं चाय। अब चाय का समय हो रहा है, चाय पीते। तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। आज प्लान में थोड़ा चेंजेस है, मैं गुड़िया और सिमरन तीनों जाएंगे मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है। मंदिर में चलिए मिलते हैं। तुमको टॉफी दिलाएं, पैसे नहीं देंगे टॉफी। हाँ जो खाना है वो खा लो, चल के चलो। पहले हाय करो, हाय करो, आगे बोलो हेलो, बोलो हेलो, 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 हाय करो, हाय करो ऐसे। विमन अंकल के, विमन अंकल के चैनल को, चैनल को लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, फॉलो करें और ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा प्यार। थैंक यू, बाय। इसके लिए चाची अब और आप कहाँ घूमना पसंद करेंगी? टाइम हो गया, घर चलेंगे, खाना बनाएंगे, इट्स डिनर टाइम। मंदिर आने में कल लेट हो गए, कल घूमेंगे ना, कल हम लोग गणेश चतुर्थी चलेंगे। हाँ तो चलो हम लोग ऊपर चलते हैं और फिर आपसे वहाँ पे मिलते हैं जल्दी से। हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे चल रहा है चेस। बड़ी हम लोग चेस खेल रहे हैं, आप भी आइए खेलिए हमारे साथ, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ या यही जीतेंगे क्योंकि
मेरे को ज्यादा अच्छे से आता नहीं है, वो तो बाद में आपको मैं रिपोर्ट कर दूंगा कैसा। पर तुम तो कहते हो मुझे ज्यादा अच्छा आता है। वो तो थोड़ा हवाबाजी निकल आती है हमारे अंदर से, तो इसीलिए। चाचा बताएंगे अब हवाबाजी क्या होती है। हवाबाजी तो मैंने एक ही जगह से निकलती है नीचे से। चलो भाई तुम लोग कंटिन्यू करो अपना गेम और मैं और चाची जाते हैं खाने की। तो गाइस हम लोग जीत चुके हैं, हम लोग जीते नहीं है, आई मीन हम दोनों का ड्रॉ हो चुका है। बहुत बढ़िया मैंने खेला, वैसे ये हारने वाले थे लेकिन मैंने झूठा झूठा। वैसे आप जानते हैं कि मैं कितना ब्रेन वाला हूँ, वो तो पहले जो मैंने बोला उसको माइंड ना करे जाता था ना। और आपको आपको पता ना हो तो मैंने जो ये वर्ल्ड कप जो चेस हुआ था उसमें मैं ही जीता था, जिसमें एक का मैग्नस था और एक कबीर चंद्र था। तो गाइस मैं ही जीता हूँ और सपनों में है ना वर्ल्ड कप जीते थे, वो सपनों में था गाइस, लेकिन तब भी मैं कहीं मैं काफी अच्छा खेलता हूँ। अगर आप में से कोई मेरे को चैलेंज करना चाहता है तो कर लो, मैं खुला मौका देता हूँ, जो जीतेगा ठीक है। पापा से या फिर पापा या चाचू से कर लो, खुद ही हार जाओगे। पापा से या फिर बड़े पापा से कर लो। चलो ठीक पापा के साथ करूंगा, और अगर मैं हारा तो पापा मेरे को 100 रुपए देंगे, और अगर पापा हारे तो मैं पापा को 100 रुपए दूंगा। तो पापा के तो 100 रुपए तुम दोगे ना पापा को, क्या फायदा उनका। मेरा ऐसा ही होता है कि क्या है ना कि मेरे को पता है मैं हार जाऊंगा, तो भाई 100 रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपए में कितनी सारी कंपटी आ जाएंगी, कंपटी कितने मोमोज खा लेंगे जाके ना हम लोग। 20 रुपए वाले वो 8 पीस मिलते हैं जिसमें सोयाबीन भरा रहता है, सब्जी का तो कोई नामो निशान नहीं। नहीं एक जगह बहुत अच्छा है वहाँ पे वेज मोमोज में क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स मिलती है, 20 रुपए के 4 मिलते होंगे। नहीं 8 मिलते हैं। हाँ चलेंगे हम लोग खाने, यहाँ से गोमती नगर में। नहीं नहीं पास में है अपने, पर अभी मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, और फिर बताएंगे आपको कि वो कहाँ पे है। अच्छा होगा तो थम्स अप देंगे, बुरा होगा तो वहाँ थूक कर आ जाएंगे, ठीक है पैसा भी नहीं देंगे वहाँ पे उनको एक बॉडी। 10 बजने वाले हैं और डिनर में देखते हैं क्या बनाया गुड़िया ने। एक्चुअल में आज मंदिर भी चला गया था और लेट में ऑफिस से भी आया तो थोड़ा डिले हो गया। गुड़िया क्या बना रही हो आज खाने में? भिंडी और रोटी है आज खाने में। ये रोटियाँ गर्मा गर्म, चपाती। दोस्तों डिनर रेडी हो चुका है, डिनर में भिंडी रोटी राइस और दाल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए दाल है ना, सूर की दाल, ठीक है ना। ये देखिए खा के बताते हैं कि कैसा बना हुआ है ना, टेस्ट करके। चलिए चलिए आप भी खाइए हमारे साथ। गुड। चलिए खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद। तो दोस्तों मैं अभी अभी डिनर करके हम सब उठे हैं, सिमरन तन्मय कबीर गुड़िया हम सब ने डिनर कर लिया, और डिनर बहुत ही टेस्टी बना था। और आज मैं अभी लैपटॉप पे भी थोड़ा काम कर रहा हूँ, काम फिनिश करने के बाद हम अपनी बहुत सा काम रहता है, वीडियो अपलोड करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, देखिए चल रहा है प्रोसेस है ना। तो और मेरा कल का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ सजेस्ट करें और कॉमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए गुड नाइट। कल संडे है, देखिए संडे को क्या क्या सरप्राइज रहते हैं ब्लॉग में देखिएगा। थैंक यू। ज़्यादा मेरे पास थोड़ा काम है, मैं अभी लैपटॉप में काट हो रही थी, पंखा चल रहा था।